विश्व योगा दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्चुअल रूप से एसएसपी दिनेश कुमार पी सहित पुलिस के अन्य अधिकारी कर्मचारी भी जुड़े रहे। पुलिस लाइन परिसर में योग गुरु डॉक्टर संजय सिंह ने पुलिस कर्मियों एवं रिक्रूटों को विभिन्न विधाओं में योगा कराया और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक रामसेवक गौतम, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, प्रतिसार निरीक्षक उमेश कुमार दुबे, जीटीसी प्रभारी रामदास यादव सहित आरटीसी प्रभारी व पुलिस के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए योग प्रशिक्षक डॉक्टर संजय सिंह, प्रशिक्षण लेने वाले कांस्टेबल एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम और एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा। थोड़ा सा पीछे झुकते हुए शरीर को पूरा ऊपर सांस लेते हुए ऊपर चलेंगे, सांस को रोकेंगे और जब नीचे आएंगे तो सांस छोड़ देंगे। ये बड़ी सुंदर है, आश्चर्य जो पेट और छाती बाहर जाएंगे। हमारी क्रियाविधियों में कोई भी त्रुटि आती है तो सिर्फ यही होता है कि शरीर आपस में नहीं जुड़ा, उसको जोड़ने की सबसे क्रिया जो पंजा होगा जब आसमान की तरफ हाथों को कंधे के पास लेके आएंगे, हाथों को कंधे के पास और थोड़ा सा ऊपर उठे हल्का सा सर्पाशन फिर रिलैक्स आएंगे और भुजंगासन फिर से एक बार सबसे अच्छा अपने हाथों को हिप के नीचे कंधे के नीचे ले जाएंगे, हाथों को कंधे के नीचे और सिर हमारा जमीन पे होगा और दोनों पैर एक साथ पीछे उठेंगे ऊपर हवा में तला बात को एक बार और कोई किसी भी एक्टिविटी होने से कोई
एक योग या वो जो आसन होने से खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज होने से आपका लंग्स मजबूत रहता है और उससे काफी आप लोग मेंटली रिलैक्स फील करते हैं। क्योंकि इससे उच्च रक्तचाप बढ़ता है, हो जाता है क्या पंपिंग, जो पंपिंग करता है रिलैक्स करता है, तो ये हुआ भस्त्रिका। मेरा नाम कांस्टेबल सुभाष, पुलिस लाइन से सर। योग दिवस के अवसर पे एसएसपी गोरखपुर महोदय द्वारा हम लोगों को बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर करके ऑनलाइन योगा कराया गया। इससे हम लोग अपने आप को फीलिंग महसूस कर रहे हैं। प्रतिदिन अगर हम लोग 40 मिनट योगा करें तो योगा करके अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त बना करके दिन भर की ड्यूटियाँ अपना करके हम लोग एनर्जी वापस ला सकते हैं। प्रतिभा सिंह सर, बहुत सुकून सा फील हो रहा है। योगा करने से हमें शारीरिक चुस्ती मिलती है और हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। योगा हमें लगता है कि सभी को करना भी चाहिए। जैसे हमारे सर ने अभी हमें योगा कराया, हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स फील हुआ और मुझे लगता है सबको करना चाहिए। रोली योजा, सबसे पहले तो आज 21 जून विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी से यही कामना करते हैं कि आप डेली कम से कम 15 से 20 मिनट तक डेली योगा करें, क्योंकि कोविड-19 के अभाव के प्रभाव के कारण हमारा शरीर काफ़ी प्रभावित हुआ है, हमारे लंग्स वगैरह काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और रही बात आज के योगा की, तो योगा करके हम लोग तनाव मुक्त हुए हैं और डेली रोजाना योगा करने से हम सभी तनाव मुक्त रहेंगे, ऐसे ही। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजय सिंह, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद न्यू दिल्ली से वरिष्ठ प्रवक्ता, और आज का योग दिवस है, इसके तहत हम अपने संस्था और अपनी तरफ से सभी अपने गोरखपुरवासी प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। योग हमारे स्वास्थ्य का आधार है और योग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना संकुचित नहीं है जितना आज के डेट में लोग महसूस कर रहे हैं। संकुचित नहीं इसलिए इसका एक ब्रॉड रूप है, एक बहुत बड़ा विस्तार रूप है, और ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य को विस्तार देता है। और यदि हमारे शरीर के स्वास्थ्य को विस्तार पाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, तो सबसे उपयुक्त और सबसे आसान और सस्ती व्यवस्था जो है वो योग और प्राणायाम। यदि हम योग और प्राणायाम करते हैं तो हम पूर्ण रूप से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता की रक्षा कर सकते हैं और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय साहब द्वारा ऑनलाइन जो है आज योग की कक्षाएं पूरे जनपद के समस्त थानों, चौकियों, पुलिस लाइन में आयोजित कराई गई। पुलिस लाइन में भी सामूहिक रूप से अभ्यास किए और इससे निश्चित रूप से लोगों के फेफड़े मजबूत होंगे और उनका शरीर बलिष्ठ होगा, अनुशासन आएगा और शरीर जो है ठीक बनेगा, तन से भी और मन से भी सुंदर बनेंगे। हमारे सभी जवान जो है सुंदरता की तरफ मन से और तन से आगे बढ़ेंगे। जून 21 जो है इंटरनेशनल योगा डे है, इसी में हमारे अपने फोर्स का स्वास्थ्य के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा योगा सेशन ऑनलाइन रखा गया था। कोरोना काल में देखते हुए एक लार्ज गैदरिंग्स अवॉइड किए गए और वहाँ सभी सिपाही, सब इंस्पेक्टर्स और अपने अपने जहाँ रुकते हैं वहीं से मोबाइल में जोड़ कर हमारे कैंप ऑफिस में एक योगाचार्य को बुला के उनके द्वारा योगा सिखाया गया है, जो अगर चंद समय भी उपलब्ध हो उस वक्त क्या क्या योगा कर सकते हैं, उसका क्या क्या बेनिफिट से एक्सप्लेन किया।